हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि जब नई नवेली माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है तो वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेट होकर अपने बच्चों का ख्याल रखती है। वो बिल्कुल इस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखती है जैसे कि वो अपनी जॉब पूरी कर रही हो। लेकिन अक्सर अपने शिशुओं का ख्याल रखते रखते माँ को थकान भी हो जाती है और होनी भी चाहिए। वो पूरा दिन इतना काम करती है और ऊपर से अपने नवजात शिशु को भी संभालती है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नाराज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो शिशु का ख्याल रखने के बाद होने वाली थकावट को आपसे दूर कर सकते हैं। नंबर वन, एक बार में ना करें सारा काम। जी हाँ, कई बार नवजात शिशु के होने की वजह से माँ ये सोचती हैं कि बच्चों को दूध पिलाकर सुला देते हैं और फिर सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं ताकि उन्हें अपने बच्चे के साथ समय बिताने का समय मिले और वो थोड़ा आराम भी कर सके, जो कि सही है। लेकिन एक समय पर सारा काम करने की वजह से आपको और भी ज्यादा थकावट होती है और वो थकावट अपने बच्चे के साथ समय बिताते समय आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इसीलिए हमेशा काम को थोड़े थोड़े हिस्सों में बांटे और धीरे धीरे खत्म करें। नंबर टू है सफाई। सुबह उठकर सबसे पहला ध्यान अपने ऊपर दीजिए। सवेरे सवेरे ही नहा लीजिए क्योंकि हो सकता है कि काम के चक्कर में आपको दोपहर तक भी नहाने का वक्त बिल्कुल ना मिले। नंबर थ्री है एक साथ सोए। एक शोध से पता चला है कि जब भी माएं अपने नवजात शिशु के साथ सोती हैं तो उन्हें थकावट का एहसास बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए आप भी ये आदत डालें और अपने बच्चों के साथ ही सोएं। नंबर फोर है मदद लें। अपने आप को सुपर वूमन समझने की गलती बिल्कुल ना करें। माना कि आप सारे काम कर सकती हैं, लेकिन जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो शारीरिक तौर पर काफी कमजोर हो जाती है। इसीलिए उसे वापस शक्तिशाली बनने के लिए बहुत सारे आहार का सेवन करना पड़ता है और अपने आप को आराम भी देना पड़ता है। इसीलिए अपने कामों को घर के सभी व्यक्तियों में बांट दें। थोड़े थोड़े काम को यदि सारे व्यक्ति बांट लेंगे तो आपको कम थकावट का एहसास होगा। नंबर फाइव है बाहर जाएं। हफ्ते में एक बार अपने बच्चे के बिना बाहर निकलकर थोड़ी सी सैर करें। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहेगा, तनाव से आप अपने आप को मुक्ति दिला पाएंगे और हफ्ते भर की थकान को दूर करने में भी आपको काफी सहयोग मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे आसान से टिप्स जो अपने शिशु की देखभाल करते हुए आपको थकावट का एहसास होता है उसे दूर करने के लिए। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।